Hello everyone, all of you welcome to our class of English and here we are learning our chapter 7. So the chapter 7 is about the necklace and the chapter the necklace. What is the name of the chapter? Beta, it's the necklace. Okay, so the necklace chapter is written by the necklace. C-K-L-A-L-A-C-E, necklace. So the necklace chapter is written by Guy de Maupassant. Guy de Maupassant. M-A-U-P-A-S-S-A-N-T. Guy de Maupassant. So in this chapter, the writer, who is a short story writer, tells about the pessimistic life of a lady. ठीक है, हुज लाइफ हैज़ चेंज ड्यू टू सम ऑफ द एस्पिरेशन ऑफर, बिकॉज वो एस्पिरेशन करती है बिना किसी वजह के. एंड हु इज़ द लेडी? एक्चुअली बेटा, द लेडी इज़ मैडम मटिल्डा लोइजल, हु इज़ आर मेन करेक्टर. सो हु इज़ द मेन करेक्टर? कौन है हमारा मेन करेक्टर? मैडम मटिल्डा लोइजल हमारा मेन करेक्टर है. अब वो बहुत ज़्यादा खुश हो चुकी हैं, वो एलिगेंट लग रही है, बड़ी ग्रेशियस शानदार लग रही है. स्माइलिंग करते हुए, जॉयफुल होते हुए मटिल्डा लोइजल फाइनली बॉल पार्टी में पहुंच जाती है. ठीक है, उसकी नई ड्रेस है और उसके ऊपर उसका बहुत सुंदर डायमंड का नेकलेस भी है. देन शी वॉज लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल, इनफैक्ट प्रीटीएस्ट ऑफ ऑल. शी वॉज लुकिंग वेरी प्रीटी, शी वॉज चार्मिंग लेडी एंड एट दैट टाइम इट ड्रॉज द अटेंशन ऑफ एवरी पर्सन इन दैट पार्टी. Everyone wants to ask her name. Everyone wants to enjoy her company. Everyone wants to dance with her. Okay? So in this way, she enjoyed the attention of the party. While in this time, during this time, the husband, what he did? The husband waits patiently in one of the little salon. वो बाहर बैठ के सैलून में वेट कर रहा है कि पार्टी खत्म हो जाएगी तो आ जाएगा. एक्चुअली उसको पार्टी वगैरह बिल्कुल पसंद नहीं है, सिर्फ वो अपनी वाइफ की हैप्पीनेस के लिए उधर आता है. ठीक है, सो इन दिस वे द पार्टी एंडेड एंड द कपल लीव्स फॉर होम एट 4 o'clock. सुबह 4 बजे मॉर्निंग में घर वापस आते हैं. सो इन दिस वे बाकी क्या होता है बेटा, कि सुबह के 4 बजे जब बहुत ज़्यादा ठंड थी, तो उससे पहले जो मिस्टर लोइजल है उसने उसको ऑफर किया कि तुम ये शाल, ये जो शॉल है तुम्हारी, इसको आप पहन लो. क्यों? क्योंकि ठंड ज़्यादा है. लेकिन उसको लगा कि मैं बहुत ज़्यादा गरीब दिखूंगी, बहुत ज़्यादा पुअर दिखूंगी इस शॉल में, इसलिए उसने वो शॉल भी अपने ऊपर डालनी ठीक नहीं समझी और फटाफट वहाँ से भाग आई. इससे क्योंकि वहाँ से जल्दी जल्दी भाग आई तो वहाँ पर कोई गाड़ी भी नहीं मिली और दूर जाके उन्हें कहीं एक टूटी फूटी सी गाड़ी मिलती है. लेकिन उसके बाद क्या होता है? घर पहुँच गए, पार्टी सक्सेसफुल है, सब कुछ ठीक हो गया? नहीं, एक्चुअली द प्रॉब्लम बिगिंस फ्रॉम हियर. क्या प्रॉब्लम होती है? कि व्हेन इन फ्रंट ऑफ द मिरर एट होम मिसेज मटिल्डा फाइनली वांट्स टू लुक एट हर, शी वाज हॉरिफाइड. व्हाई? बिकॉज शी नोटिस नाउ दैट द नेकलेस इज नो मोर अराउंड हर नेक, इट्स लॉस्ट नाउ. नाउ व्हाट हैपेंड? अ डिसमेड लोइजल, यानी कि दुखी हुई मिसेज लोइजल हर जगह देखती है जो पीस गुम हो चुका है उसको. बट टू वेल, टू नो वेल का मतलब होता है बट इन वेन, मतलब बेकार में ही. ठीक है, दे सर्च्ड एवरीवेयर, दे सर्च्ड इन द फोल्ड्स ऑफ द क्लॉथ्स. ओके, दे सर्च्ड एवरीवेयर इन द रूम बिहाइंड द कर्टेंस, दे सर्च्ड इन द अलमीराज ऑल्सो. एंड मिस्टर लोइजल ऑल्सो वेंट आउटसाइड टू फाइंड आउट द नेकलेस, बट all in vain. They couldn't find the necklace at all. Then what happened? Finally, Mr. Loisel ने Matilda को बोला to ask her friend to give them some time. Why? Because the clasp of the necklace, clasp का मतलब क्या होता है बेटा? जोड़ होता है. क्या होता है clasp का मतलब? जोड़ होता है. कि ये जो clasp है, जोड़ है नेकलेस का, वो टूट गया है और इसलिए रिपेयरिंग करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा. क्यों लिखा उन्होंने थोड़ा सा टाइम ले सकते थे? क्योंकि बेटा नेकलेस ले जाने से पहले उसने पहले ही बता दिया था, किसने? उसकी फ्रेंड ने, मैडम फॉरेस्टर ने, कि टू रिटर्न इट वेरी सून. कि इसको आपने जल्दी ही, बड़े अच्छे से उसने उसको बोल दिया था कि इसको आपने जल्दी ही रिटर्न करना होगा और मुझे कोई दिक्कत नहीं है. तो इसीलिए उस विश्वास को बरकरार रखने के लिए उन्होंने क्या मांगा? उससे समय मांगा है. ठीक है, उससे टाइम मांगा है. उसके बाद क्या होता है? क्योंकि नेकलेस तो टूटा ही नहीं था. नाउ दे डिसाइडेड टू रिप्लेस द लॉस, कि हम इस लॉस को रिप्लेस करेंगे. सो एट अ शॉप, शॉप थी भाई आपकी पैलेस रॉयल, पैलेस रॉयल शॉप में उसे बिल्कुल सेम डुप्लीकेट कॉपी दिखी उस लॉस्ट पीस की. एंड द
प्राइस वैल्यू इज़ 40,000, लेकिन जब उन्होंने उससे पूछा कि खरीदना है, देन दे गॉट द टेलिंग यू अबाउट द मेन कैरेक्टर मिसेज मटिल्डा लोइजल. सो द लेडी इज मटिल्डा लोइजल. ठीक है, सो मटिल्डा लोइजल एक कैसी लेडी है कि वो हमेशा ही सफ़र करती है अपने हाई ड्रीम्स की वजह से, एंड दैट्स वाई टू लुक वेरी ब्यूटिफुल शी बोरोड अ नेकलेस. ठीक है, फ्रॉम हर रिच फ्रेंड. रिच फ्रेंड कौन थी बेटा? मिसेस फॉरेस्टर से लेती हैं. ठीक है, बिकॉज शी डिड नॉट हैव सो मच मनी टू बाय दैट नेकलेस. एक्चुअली टू गो इन टू अ बॉल पार्टी शी हैज़ नो ड्रेस, शी हैज़ नो ज्वेलरी. फॉर द ड्रेस द हस्बैंड मिस्टर लोइजल गेव सम मनी. ठीक है, हस्बैंड कौन था? मिस्टर लोइजल था. ओके, सो मिस्टर लोइजल ने उसको पैसे दे दिए हैं जाने के, क्या, ड्रेस खरीदने के लिए, जो कि 400 फ्रेंक्स में आई थी. बताया था ना मैंने आपको, 400 फ्रेंक्स में इसकी ड्रेस आई थी. अब ड्रेस की जब एक प्रॉब्लम सोल्व हो चुकी है तो उसके पास अब है दूसरी प्रॉब्लम. तो बेटा दूसरी प्रॉब्लम क्या है? सेकेंड प्रॉब्लम हमारी है ज्वेलरी के बारे में. ठीक है, ज्वेलरी, तो ज्वेलरी के बारे में क्या प्रॉब्लम थी कि उसके पास ज्वेलरी नहीं थी. ठीक है, तो अब कैसी प्रॉब्लम सॉल्व हुई कि उसने अपनी फ्रेंड से बोरो किया, लेकिन टू हर बैड लक द नेकलेस वॉज लॉस्ट हो गया है. तो जब वो लॉस्ट हो गया, उन्होंने उसको रिप्लेस कर दिया. उसके बदले में द लाइफ नाउ हैज़ कम्प्लीटली चेंज्ड. पूरी तरह से उनकी ज़िंदगी अब चेंज हो चुकी है. ठीक है, कैसे? दे ड्रेस्टिकली कट डाउन देर एक्सपेंसेस. उन्होंने अपने खर्चों को बहुत ज़्यादा कट कर दिया. यहाँ पे ड्रेस्टिकली का मतलब क्या था? बहुत ज़्यादा. ठीक है, उन्होंने अपने खर्चों को सबसे पहले कट डाउन कर दिया. दूसरा, अडोप्ट एन इकोनॉमिकल लाइफस्टाइल टू रिपे द डेट. पहला काम क्या किया? अपने खर्चे कम कर दिया है. ठीक है, दूसरा काम उन्होंने क्या किया है कि उन्होंने एक लाइफस्टाइल अपना कैसा अपना लिया है? इकोनॉमिकल. इकोनॉमिक का मतलब क्या होता है बोलो? इकोनॉमिक का मतलब होता है बेटा बहुत ही ज़्यादा सस्ते वाला, चीप लाइफस्टाइल हो गया है. क्यों? क्योंकि ये सब कुछ टू रिपे द डेट, ताकि उनका कर्ज उतर जाए. उन्होंने अपनी नौकरानी को भी भेज दिया है, छुट्टी कर दी उसकी. अपनी लॉजिंग को भी चेंज कर दिया, मतलब कहीं और जाके रहने लगे हैं, किराए के कमरे में रहने लगे हैं. इस तरह से फॉर अ डिकेड, डिकेड का मतलब 10 ईयर तक मटिल्डा ने स्पेंड किए हैं बहुत ज़्यादा पॉवर्टी में, वॉन्ट, कमी में, हर एक चीज़ की मिजरी और दुख में. अब आफ्टर द 10 ईयर व्हाट इज़ द कंडीशन ऑफ मटिल्डा लोइजल? शी बिकेम रिंकल्ड फेस, अनकैम्प्ड हेयर्स, अनटाइडी क्लॉथ्स, एंड इन दिस वे शी नाउ लुक्स वेरी अगली. एक्चुअली शी इज़ नाउ लुकिंग ऑर्डिनरी लेडी ऑफ एन ऑर्डिनरी हाउस होल्ड. ठीक है, सो वन डे व्हाट हैपेंड दैट शी मीट हर ओल्ड फ्रेंड मैडम फॉरेस्टर. सो हु इज मैडम फॉरेस्टर? वो जिससे उसने नेकलेस उधार लिया था, वो उससे मिलती है. ईयर्स ऑफ हार्ड वर्क रिफ्लेक्ट इन मटिल्डाज अपियरेंस. जितनी सख्त मेहनत उसने 10 साल में की, नाउ शी लुक्स वेरी ओल्ड देन हर एज, एक्चुअल एज. अपनी एक्चुअल एज से बहुत ज़्यादा ओल्ड लग रही है वो, तो इसीलिए अब उसके अपेयरेंस में ये सब चीज़ें दिखती हैं, साफ दिख रही हैं. सो इसीलिए मैडम फॉरेस्टर कुड नॉट रिकग्नाइज, उसको पहचान नहीं पाई. एंड शी वेरी पोलाइटली आस्क हर नेम. एंड वेन मटिल्डा लोइजल इन्फॉर्म्ड हर अबाउट द नेम एंड अबाउट हर कंडीशन, देन शी मूव्ड टू हार्ट. देन शी वॉज फीलिंग वेरी सैड. वाई? बिकॉज इनडायरेक्टली शी इज ब्लेमिंग हर सेल्फ फॉर द लॉस ऑफ नेकलेस. ठीक है, तो मटिल्डा लोइजल ने दोष लगाया कि ये सब किसकी वजह से हुआ है? नेकलेस की वजह से हुआ है. एंड डिस्क्लोज ऑल द ट्रूथ टू हर फ्रेंड. Then came a very rude shock to Madam Forrester. ठीक है, and she very politely, very honestly told Madam Loisel, Madam Matilda Loisel, that it was not a diamond necklace, but actually it was a piece of cheap necklace. ये केवल एक सस्ता सा necklace था, उसकी imitation थी और कुछ नहीं था. जिसकी कीमत कितनी है? 500 francs हैं. जिसके लिए उसने कितनी दिए थे? 36,000 francs दिए थे. ठीक है, सो इन दिस वे द समरी एंडेड. नाउ वी हैव द थीम. मतलब थीम या मैसेज में से आपको एक चीज़ कर सकते हो. ठीक है, आई होप कि आप अगर मैसेज करोगे तो और भी ज़्यादा अच्छी चीज़ होती है. ठीक है, हाँ, द फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्टोरी डील्स विद द थीम. पहले पार्ट में ही हमें थीम का पता चल जाता है. पहले पार्ट की थीम क्या है? इफ विशेज वर हॉर्सेज बैगर्स वुड राइड.
मतलब अगर हवा में ही बातें करने से, सपने लेने से कुछ भी पूरा होता तो कोई भी ले सकता था, तो कोई भी काम नहीं करता। इसका मतलब ये है हमारी क्या होती है कि वो है हमारी इडियम है हमारी, फेट प्ले सच ए वाइटल रोल इन आर लाइव्स। वो कहते हैं हमारी ज़िंदगी में सबसे बड़ा रोल किस चीज़ का है, भाग्य का होता है। दैट दोज हु ट्राई टू स्पेंड बियॉन्ड देयर मीन्स, कि वो जो अपने साधन से बाहर, अपनी चादर से बाहर पैर पसारते हैं, ऑलवेज लेड अप इन डीप ट्रबल, उन्हें हमेशा हमेशा गहरे ट्रबल का सामना करना पड़ता है। अनरियलिस्टिक एस्पिरेशंस, अनरियलिस्टिक एस्पिरेशंस क्या होते हैं बेटा, जो कभी भी पूरी नहीं हो सकती, वो हमारी इच्छाएं, वो हमेशा फ्रस्ट्रेशन लाते हैं, डिसकंटेंटमेंट लाती है। और जो लेटर हाफ ऑफ द स्टोरी है, लेटर हाफ ऑफ द स्टोरी हमें किसके बारे में बताती है बेटा, ये हमें बताती है हाउ एडवर्सिटी, पहले में तो उनकी बर्बादी का कारण बता दिया, दूसरी स्टोरी में हमें बताया गया है कि किस तरह से जो विपरीत परिस्थितियाँ होती हैं वो किसी भी इंडिविजुअल को, किसी भी पर्सन को स्ट्रोंगर बना सकती हैं, मैच्योर ह्यूमन बीइंग बना सकती हैं। ठीक है, ओनली द चॉइस टू अपहोल्ड हर डिग्निटी, अपने सम्मान को बनाए रखने की भावना ने ही मटिल्डा को मोटिवेट किया है कि वो अपना कर्ज चुकाए और एक सख्त जिंदगी जिए। नहीं तो अर्लियर क्या था, अर्लियर बेटा मटिल्डा लोएजल ऑलवेज वॉन्ट्स टू लिव अ लग्जूरियस लाइफ, एक्चुअली शी हैड द मेड टू डू ऑल हर हाउस होल्ड वर्क, बट नाउ हर डिग्निटी मोटिवेट्स हर टू रीपे द डेट एंड टू डू ऑल द हाउस होल्ड वर्क हर सेल्फ। ओके, बट दिस एक्सपीरियंस मेक्स हर डेवलप अ सेंस ऑफ प्राइड, लेकिन उसमें थोड़ा सा अभिमान आ जाता है, अभिमान तो आएगा ही बिकॉज शी डिड अ वेरी गुड वर्क। अबाउट हर एबिलिटीज, नाउ शी केम टू नो अबाउट हर एबिलिटीज, नाउ द हर सेल्फ एस्टीम एनहेंसेज, सो शी चेंज इंटू अ वेरी स्ट्रोंग वुमेन हु हैड द स्ट्रोंग डिटर्मिनेशन। ये हमारी थीम है कि एडवर्स सिचुएशन किसी भी पर्सन को बहुत ज़्यादा ताकतवर और मजबूत बना देती है। ठीक है, नेक्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट द मैसेज, दिस स्टोरी कन्वेज अ मैसेज ऑफ कंटेंटमेंट, किसकी, हमें संतुष्टि का मैसेज है कि इंसान को वट एवर ही और शी गॉड, वन मस्ट बी वेरी सेटिस्फाइड विद द रिसोर्सेज। इट इज़ एडवाइजेबल टू काउंट वंस ब्लेसिंग्स इंस्टेड ऑफ यर्निंग फॉर द फॉल्स ग्लोरी, भाई वी हैव टू थैंक द गॉड वट एवर वी गॉड, बट वी शुड नॉट शो ऑफ, वी शुड नॉट ऑलवेज यर्न, यर्न का मतलब डीप डिजायर, वी शुड नॉट ऑलवेज यर्न फॉर द फॉल्स थिंग्स बट वी कैन नॉट गेट। वो कहना चाहता है कि जो आपके पास है उसकी ही तारीफ कीजिए और जो दूसरों के पास है, जो आपके पास नहीं है उसके पीछे मत दौड़िए। अनरीजनेबल डिज़ायर, क्योंकि ऐसी ही डिज़ायर क्या करती हैं, आपके लिए डिज़ास्टरियस प्रूव हो जाती हैं, आपके लिए बर्बादी ला सकती हैं, जैसा कि लोएजल्स के केस में हुआ है। मटिल्डा की लाइफ अच्छी थी, उसके पास सब कुछ था सम्मान से जीने के लिए, एवरीथिंग शी हैज़, लेकिन उसकी डिज़ायर थी, डिज़ायर टू गेट एक्स्ट्रा एंड एक्स्ट्रावेजेंस एंड ऑल दीज थिंग्स, एक्स्ट्रा खर्चों ने ही डिप्राइव्ड हर इवन ऑफ द लिटिल दैट शी हैड, उन सब चीज़ों को भी गुम कर दिया, उन सब चीज़ों को भी ख़त्म कर दिया जो थोड़ा बहुत उसके पास था। ठीक है, देयरफॉर हर स्टोरी गिव्स अ मैसेज, इसलिए स्टोरी हमें ये मैसेज देती है दैट वन शुड लिव विद इन वंस मीन, कि हर एक को अपने साधन के अंदर हमेशा लिमिटेड जो रिसोर्सेज हैं उनको देख के ही चलना चाहिए। ओके, लेट्स नाउ कम टू नो अबाउट द टाइटल, टाइटल ऑफ द स्टोरी द नेकलेस, इज इट एप्ट, हम पूछते हैं कि टाइटल ये उचित है या नहीं है। यस यस, द टाइटल ऑफ द स्टोरी इज वेरी एप्ट। ओके, एक्चुअली द होल स्टोरी रिवॉल्व्स अराउंड द नेकलेस, सारी ही कहानी हमारी नेकलेस के अराउंड घूमती रहती है। सबसे पहले द ट्विस्ट केम वेन शी बॉट द नेकलेस फ्रॉम हर फ्रेंड। ठीक है, सो द नेकलेस गिव द ट्विस्ट टू द स्टोरी वेन, गिव द स्टोरी अ वेरी ड्रास्टिक टर्निंग पॉइंट इन देयर लाइफ, वेन इट वॉज बोरोड फ्रॉम मिसेज फॉरिस्टर। ठीक है, जब ये बोरो किया जाता है तभी से ये उनसे लाइफ में बर्बादी करनी शुरू कर देता है। मटिल्डा लोइजल नेचुरली वॉज वेरी प्रिटी लुकिंग लेडी, But now she urged more and more to look much and more beautiful. In this way, this urge made her to borrow the necklace. So, यही इच्छा उसको उधार लेने पे मजबूर करती है. It's lost robbed her. यानी कि ये जो loss हो जाता है, necklace lost हो गया है, वो लुट जाती है. Her husband, उसकी भी शांति चली जाती है और husband की भी peace of mind खत्म हो जाती है. The loss of the necklace not only helped Matilda became the more sensible person, but also made her stronger and more patient. Lekin, everything has two aspects. One is negative and other is positive. The negative aspect is that she lost the necklace.
She had to repay it by doing a lot of hard work. She had to sacrifice all her happiness, all her beauty. But it has also very positive point. तो positive point है बेटा ये कि अब वो बन गई है stronger, क्योंकि घर का सारा काम खुद किया है. Strong determination लिए हैं कि मुझे नौकर की भी छुट्टी कर देनी है, मुझे घर भी बेच देना है और मुझे अपना सिर्फ कर्ज उतारना है. अब उसमें पेशेंस भी आ गया है कि ठीक है आज ये चीज़ नहीं कल हो जाएगी. लेकिन पहले क्या था, पहले तो उसको नेकलेस चाहिए तो चाहिए था, ड्रेस चाहिए थी तो चाहिए था. ठीक है, सो इसका मतलब नेकलेस ही वो सेंटर ऑफ एक्शन है एंड में भी, जहाँ पे मैडम फॉरेस्टर ये बताती है मटिल्डा लोइजल को कि नेकलेस क्या था भाई, फेक वन था. ठीक है, इस तरह से वो नेकलेस जो समझती थी मटिल्डा लोइजल कि उसके लिए इमेंस हैप्पीनेस लेके आएगा, बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस लेके आएगा, वो उसके लिए क्या हुआ, इमेंस सफरिंग लेके आया है, बहुत ज़्यादा दुख तकलीफ लेके आया है. इसीलिए ये हमारा सेंट्रल पॉइंट है. ठीक है, सेंटर है स्टोरी का और यही हमारी कहानी का एप्ट टाइटल भी है. हम स्टोरी ऑफ मटिल्डा लोइजल भी लिख सकते थे लेकिन वो इतना एप्ट नहीं होता. ये जो नेकलेस की कहानी है यही बहुत ज़्यादा हमारे लिए एप्ट टाइटल है. नेक्स्ट, सो इन दिस वे वी हैव लर्नड अबाउट द टाइटल, थीम, समरी, मैसेज. आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल द थिंग्स. इन अ नेक्स्ट क्लास वी विल रीड अबाउट द कैरेक्टर्स. टिल देन थैंक यू वेरी मच.